हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद भावना। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना राखी गेट रेडी विद मी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो गाइस, मेकअप स्टार्ट करते हैं। और गाइस प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर देना, पता नहीं इतने दिनों से क्या हो रहा है, मेरी वॉइस में ठीक ही नहीं हो रही। चलो खैर, कोई नहीं, हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, मैं क्या कर रही थी ना, यहाँ पे सबसे पहले अपना CTM करूँगी अपना। मैंने यहाँ पे टोनर लगा लिया था, गुड वाइब्स का टोनर लिया था। एंड उसके बाद गाइस मैंने गुड वाइब्स का ही सीरम लिया था, वो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देती है। एंड बायोटिक का मॉइस्चराइज़र लिया था। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, अच्छे से आपकी जो भी स्किन है उसको बहुत स्मूथ बना देता है, ताकि जो आपका बेस फाउंडेशन एंड कंसीलर है ईजिली ग्लाइड करे उसके ऊपर, ठीक है। और मेकअप भी आपका लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। लैक्मे का यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ किया है गाइस, 9 to 5 का, ठीक है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ये भी स्टे रहता है। मैंने गाइस शाम को मेकअप, मैंने रात को सेलिब्रेट की थी ना राखी, तो मैंने शाम को मेकअप किया था, 4-5 बजे किया था, हाँ। और मेरा पूरा रात के 1 बजे तक, 12-12:30 बजे तक बिल्कुल स्टिल वैसे का वैसे ही था, बिल्कुल भी मेकअप ख़राब नहीं हुआ। तो अच्छे से ब्लेंड कर दिया था गाइस मैंने फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ठीक है। अपने हाईलाइट पॉइंट्स पे लगाएंगे। तो गाइस, आज मैंने अपनी स्किन को करेक्ट नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा स्किन केयर किया था तो स्किन अच्छी लग रही थी, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर आप कंसीलर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अच्छे से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था गाइस, अच्छे से ब्लेंड करना है हमें। एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का, एंड उससे पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूँगी, तो जो मेकअप बेस है ना वो हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद गाइस मैंने ब्लशर लगाया था, वही स्विस ब्यूटी का कोरल शेड का ब्लश। एंड उसके बाद गाइस मुझे याद आया कि मैंने कॉन्टोरिंग तो की नहीं, फिर मैंने कॉन्टोरिंग स्टार्ट की, चलो कोई बात नहीं है गाइस। उसके बाद कॉन्टोरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैट शेडर ब्रश लिया था, एंड उससे अपने नोज़ को कॉन्टोर किया था अच्छे तरीके से, ताकि जो भी हमारे फेस की जो डायमेंशन होती है वो भी अच्छी लगे। नोज कॉन्टोरिंग के बाद देख सकते हो गाइज मैंने ना ये नया तरीका सीखा है कॉन्टोरिंग करने का, इससे और भी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद गाइज मैं उसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से, कोई भी ब्रश ब्लेंडिंग ब्रश लेके, कॉन्टोरिंग का ब्लेंडिंग ब्रश है मेरा, उसी से मैं ब्लेंड कर दूँगी अपर साइड को, ठीक है। अपने पूरा फेस पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं क्या करूँगी ना, नेक्स्ट गाइज मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अपनी नोज कॉन्टोरिंग को, ठीक है। फिंगर से ना और भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का अपना हाईलाइटर लगा रही हूँ, ठीक है, अपने चिक्स पर, ब्रिज ऑफ द नोज पर, फोरहेड पर, ठीक है, चिन एरिया पर, फोरहेड पर अच्छे से मैं ब्लश लगा लूँगी, सॉरी ब्लश कह रही हूँ, हाईलाइटर। एंड अपने कॉलर बोन पे भी, क्योंकि जो ये वाला सूट है ना गाइस, जिसका ऐसा था ना नेक थोड़ा सा बड़ा था, तो इसीलिए शाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर भी लगा लिया। उसके बाद फिर से मैं सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी एंड उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि जो भी मेकअप है ना वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए और सीमलेस सा मेकअप लगे, बिल्कुल भी कुछ भी हार्श स्किन पर ना लगे। नेक्स्ट अपनी ब्राउज को फिल करेंगे स्विस ब्यूटी का, ये मैंने आईब्रो पेंसिल लिया है, ठीक है। शेड इसका ब्लैक है, बिल्कुल लाइट हैंड से इसको अच्छे से अपनी ब्राउज को फिल करूँगी। लाइट हैंड से हमें फिल करना होता है क्योंकि ब्लैक शेड है ना। और उसके बाद मैं स्पूली से शेड को मैं ब्लेंड कर लूँगी, जो भी कलर पॉप आउट हुआ है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद गाइस मैं अपना आईज मेकअप स्टार्ट करती हूँ। आईज मेकअप में आज कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत इजी आईज मेकअप है। क्या करना है ना आपको, अपनी पूरी आईलिड पे सबसे पहले मैंने अपनी आईलिड को सेट कर लिया एक येलो कलर से, ठीक है। उसके बाद एक ब्राउन शेड लिया है मैंने, उस ब्राउन शेड को उसका जो एक्सेस था वो रिमूव करके पूरी आईलिड पर एक ब्राउन शेड लगा लूँगी, ठीक है। पूरे आईलिड पे ब्राउन शेड लगाने के बाद एक हल्का सा ना ये लिक्विड आई शेडो आता है ना, बिल्कुल हल्के हल्के चंकी पार्टिकल्स थे इसमें, उसको एज आई लाइनर में ड्रॉ कर लूँगी, देख सकते हो, थोड़ा सा आईलिड पे लगा लूँगी, ठीक है। ये हो गया हमारा आई मेकअप। आज की जो आई मेकअप की जा रहे हैं ना गाइस, वो लोअर लैश लाइन पर होगी। जो भी हमारे सूट का कलर है ना, ये पर्पल कलर, सेम यही कलर का मैं आई शेडो लगाऊँगी अपने लोअर लैश लाइन पर, ऊपर वाली आईलिड पर नहीं लगाऊँगी,
लोअर लैश लाइन भी लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं गाइज यहाँ पे काजल लगा रही हूँ, ब्लैक कलर का काजल यूज किया था आज मैंने। एंड आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ग्लेस का पैलेट यूज कर रही हूँ, उसमें से सेम एग्जैक्ट मेरे सूट के मैचिंग का कलर मुझे मिल गया था। एंड उससे मैंने क्या किया था ना, पहले मैंने एक ब्राउन शेड लिया था वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से, एंड उसको अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लिया। उसके ऊपर मैं क्या करूँगी ना, ये वाला कलर लगाऊंगी, पर्पल कलर, ठीक है। एंड उसके ऊपर गाइज देख सकते हो मैं यहाँ पे एक आईलाइनर भी लगाऊंगी ब्लू कलर का। यहाँ पे मैंने अपना, अब मैं लगा रही हूँ गाइज पर्पल कलर का, अपना जो आई शेडो दिखाया था ना आपको ब्लू ब्यूटी ग्लास वाले पैलेट में से, उसमें से वो वाला शेड लगाऊंगी। उसके बाद का इसमें आईलाइनर लगाऊंगी। मेरे पास कोई भी, अगर आपके पास आईलाइनर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस कलर का आईलाइनर नहीं है तो मेरे पास ब्लू कलर का आईलाइनर था और वो भी शिमरी था उसमें, ठीक है, बहुत ही शाइनिंग वाला आईलाइनर। उसको लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर ना क्या किया था ना, अपना वही पर्पल कलर का वो लगा लिया था, ठीक है। आई शेडो ये हो गया कम्प्लीट। अब लिप्स की बारी आती है गाइस, यहाँ पे मैं अपने लिप्स को लाइट आउटलाइन करूँगी, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस मेरा ये फेवरेट कलर है मैटमी का न्यूड शेड, बहुत ही प्यारा लगता है। आजकल फेस्टिवल में लगाओ चाहे घर पे नॉर्मली लगाओ, ये शेड बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। उसके ऊपर मैं इसे ग्लॉसी लुक देने के लिए ग्लॉस लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सीज ब्यूटी का प्यूट ग्लॉस, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है आपके लिप्स पर और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है आपकी लिपस्टिक को। उसके बाद गाइस बस डन हो गया मेरा मेकअप। एंड उसके बाद गाइस देख सकते हो मेरा मेकअप होने के बाद मैं इयर रिंग सोच रही थी कि मैं क्या कौन से इयर रिंग्स डालूँ, तो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ये, मेरे पास ना ये वाइट कलर के इयर रिंग्स भी थे, मैंने सोचा ये वाले पहनती हूँ क्योंकि किसी भी ओकेजन में मुझे पहनने का टाइम ही नहीं मिलता ये वाले, ठीक है। ये भी अच्छे लग रहे थे, थोड़े से लॉन्ग है और बहुत ही लाइट वेटेड है, ठीक है। ये भी मीशो से बाय किए थे मैंने और अच्छे लग रहे थे, लेकिन गाइज मैंने लास्ट में ना झुमके ही पहने थे, ये वाले नहीं पहने थे। ऑक्सीडाइज झुमके हैं ना मेरे, वो वाले पहन के गई थी मैं, बट अच्छे लग रहे थे ये, ठीक है। तो देख सकते हो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत जल्दी रेडी भी हो गई थी मैं। और हेयर्स को यूजली जो मेरे को हमेशा की तरह दो पिन, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बस पीछे से कर ली हेयर, तो वो भी अच्छा लग रहा था। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, लव यू, बाय।